Hello everyone so we are discussing previous year questions of the chapter human health and disease and the topic cancer in today's session we are going to discuss a question which was asked in the cbsc board in different years in different forms so the first type is short answer type question for 2 marks which was asked in the cbsc board 2020 so the question is how are malignant tumors different from benign tumors why are some patients treated with alpha interferon or short answer type question of 2 marks which was asked in the cbsc board all india exam टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड इज ऑल्सोर सो द्वेशन इज डिशियन बेनिंग एंडा इस क्वेश्चन में, में कुछेंट को आंसर तो so, so, बेटा जो बेनिंग ट्यूमर होता है वो जनरली अपनी लोकेशन पर ही रहता है और ज्यादा डैमेज नहीं करता जबकि जो मेलेगनेंट ट्यूमर होता है बेटा ये रेपिडली डिवाइड करता रहता है और अपने आस पास के सेल्स को भी इन्फेक्ट करता रह और उन्हें भी ट्यूमर में कन्वर्ट करता रहेगा जो बेनिंग ट्यूमर होता है ये इम्यून सिस्टम का डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस तो इसीलिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स की जरूरत होती है, और की फास्ट ग्रोथ होती है। अब बेटा, जो है, की होती है कि है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके और जिससे ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो सके तो इसीलिए अल्फा एंटर दिया जाता है क्लियर सो द लोकेशन एंड डू नॉट शो मेटेस्टाग्नेट टूमर शो मेटेस्टा बेनिंग ट्यूमर स्लो ग्रोथ मेलेग्नेट ट्यूमर रेपिड ग्रोथ ट्यूमर सेल्स टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon which activates their immune system and helps in destroying the tumor. So I hope this question is clear to you. Thank you.